बाबू से मेरा अनुरोध होगा कि सभी लोगों ने इस पोडियम को संभाला है, आप अगर नहीं संभालेंगे तो ये पूरा कार्यक्रम अधूरा रहेगा। आपसे अनुरोध होगा कि आप भी इन बच्चों को आशीर्वाद दे दें। थैंक यू सर। भारत स्काउट गाइड, हेलो, भारत स्काउट गाइड के गुरौल इकाई के तत्वाधान में आयोजित प्रखंड उत्सव में जितने भी सहभागी छात्र छात्राएं हैं, प्रतिभागी के गाइड के रूप में उपस्थित शिक्षक हैं, उन सभी का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जितने जनप्रतिनिधि जो मंच पर आसीन हैं, साथ ही विभागीय अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो सर हैं अभी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए निकाला है। यह हमारे लिए अत्यंत ही सुखद अनुभूति है, बहुत ही एक्सप्रेस है कि पहला आयोजन हुआ है ग्रोल अंचल में और वह सेंट लॉरेंस स्कूल को मिला है। और इसके लिए मैं जिन लोगों का इसमें सहयोग है उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। क्लैप्स गो। कोई भी आयोजन चाहे उसको कितने भी मनोयोग से क्यों न किया जाए, उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। तो इस आयोजन के दौरान मैं जो भी हमारे तरफ से जो कमी होगी उसको मैं अपने स्तर से पूरा करूंगा, वो छोटी छोटी हो या जिस लेवल पे हमारे सामने आएंगे उसके लिए मैं इसमें सहयोग करूंगा। धन्यवाद गौतम जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुरौल सुशील जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं स्काउट गाइड का संचालन करने वाले ऋतुराज जी, गुरौल इकाई के धर्मेंद्र जी, एंकर उमेश जी, कई शिक्षकगण भी हमारे बीच मौजूद हैं, जिसमें परवेज जी को मैं नाम जानता हूं, धीरेंद्र जी का मैं नाम जानता हूं, धीरज जी का नाम जानता हूं, और वैसे शिक्षक जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं, मैं उनसे माफी चाहता हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे ग्राउंड में 600 स्काउट गाइड के बच्चे और बच्चियां बैठी हुई हैं। मैं जिला प्रशासन के तरफ से सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं अपने दाई ओर देख रहा हूं कि हमारी माता एवं गण्यमान्य लोग बैठे हुए हैं, मैं उन्हें भी आप सबको मैं नमन करता हूं। सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से स्काउट एंड गाइड पर प्रकाश डाला है। हमें याद है कि स्काउट एंड गाइड जब मैं इस जिला में पदस्थापित हुआ था तो एक अंकुर के रूप में था, एक सीड के रूप में था, लेकिन मिस्टर ऋतुराज का और उनके संपूर्ण टीम का अथक प्रयास का यह प्रतिफल है कि धीरे धीरे वैशाली जिला में वट वृक्ष बन चुका है। और मैंने उन्हें एक टारगेट दिया है कि इस स्काउट एंड गाइड को आप न केवल वैशाली जिला में आप इसको पनपने दें, बल्कि पूरे राज्य और देश स्तर तक इसका ज्यादा से ज्यादा विस्तार दें। मैं गुरौल इकाई के बच्चियों के द्वारा और बच्चों के द्वारा जो स्काउट गाइड से जुड़े हुए हैं, मैं तमाम टीम को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तरंग प्रतियोगिता के माध्यम से आप अपनी प्रतिभा को दिखाया है। शौचालय के निर्माण में, दहेज प्रथा और नशाबंदी मुक्ति के क्षेत्र में आप लोगों ने जो काम किया है वो असाधारण है, अविश्वसनीय है, और मैं उसे सलाम करता हूं। आपने
जैसा कि प्रमुख जी ने कहा था कि आप लोगों ने अपने सेवा के बल पर कांवरियों का जो सेवा किया है वो एक अद्भुत मिसाल आपने पेश किया है। मैं बच्चों आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो कई तर्क हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं। एक संयोग है कि इस कार्यक्रम में मैंने आपके साथ एक कार्यक्रम देखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये नारा बेटा मारो बेटी पढ़ाओ ये नारा नहीं था। और कार्यक्रम में जहां कहीं भी देखता हूं तो बेटियों का क्या बेटा से प्रतिस्पर्धा है? अगर बेटों से प्रतिस्पर्धा है तो आपके घर में पिताजी भी बेटा ही होंगे, दादाजी भी बेटा होंगे, आपके घर में भाई भी बेटा होगा, आपका पुत्र लेगा जन्म वो भी बेटा होगा। तो ऐसा लगता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य के लिए हम लोग लेकर के चले थे उस दिशा में न जाकर के बेटों के साथ प्रतिस्पर्धा वाला कार्यक्रम बनता चला जा रहा है। मेरा अनुरोध होगा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले ऑर्गेनाइजर से और आप सभी बच्चियों और बच्चों से कि पुरुष और महिला के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करें जहां पर हम दोनों कंधा से कंधा मिला करके चले, यही जीवन का हमारा और आपका पूर्ण लक्ष्य होगा। मैंने एक कार्यक्रम में मैंने देखा कि जो भी बच्चे मंच पर आते हैं, जो भी बच्चियां अपने घरों से निकल करके स्काउट गाइड के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, ये स्पष्ट रूप से इसका आप संकेत दे रहे हैं कि लगता है कि हमारा समाज अब बच्चियों के पंख को खुलने दे रही है। बच्चियां अपने घरों से निकल करके एक स्वतंत्र उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और मैं कामना करता हूं कि आओ हम इस राष्ट्र का ऐसा निर्माण करें, एक ऐसे समाज का निर्माण करें। यहां पर एक प्रसंग याद आ रही है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं लड़के हैं आप इस गुमान में मत रहना कि तुम्हारी जब जब पृथ्वी पर जन्म होगी तब तुम पुरुष के ही रूप में जन्म लोगे और लड़कियों को इससे अपमानित महसूस नहीं करना है कि जब तुम इस पृथ्वी पर जन्म लोगी तो तुम बार बार लड़की ही के रूप में जन्म लोगी। अगला जन्म आएगा जब लड़का लड़की बन जाएगा और लड़की लड़के के रूप में जन्म लेगा, तब वैसी समाज की परिकल्पना आप कर लें। उस परिकल्पना को करें कि जहां पर लड़कियों के साथ विभेद किया जाता है। मैंने सुना है कि हमारे देश के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मां के गर्भ में बच्ची पल रही है गर्भपात करवा दिया जाता है, मां का गला दबा करके जान मार दिया जाता है। बाई दफे बच्ची जन्म ले लेती है तो मुंह में नमक डाल करके उसी वक्त में मार दिया जाता है, नहीं हुआ तो छोटी सी बच्ची के मुंह पर तकिया रख करके उसको जान मार दिया जाता है, ऐसा सुनने में आता है और कई ऐसे घटनाएं समाज में दिखती भी है। तब ये सोचने के लिए हम सब बात हो जाती हैं कि क्या हमारा समाज इस दरिंदगी के दौर से गुजर रहा है? क्या हम अपने बच्चों और बेटियों को इस तरीके से हम गला दबा करके मार सकते हैं? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सभी गणमान्य मंच पर बैठे हुए हैं और हमारे अभिभावक गण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षक गण भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये काम वैशाली जिले में हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं कह रहा हूं
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम 12 जनवरी 2015 याद है मैं वो डेट 12 जनवरी 2015 को यह कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। यह कार्यक्रम भारत के मात्र 100 जिलों में प्रारंभ किया गया था, उसमें से एक जिला वैशाली था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात नहीं थी, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात थी कि हम लोगों ने अपने जिला में इतने बेटियों को गला दबाया है कि वहां पर बेटी को बचाने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। हमारा यह गुजारिश होगा, यहां पर जितने भी पेरेंट्स और जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश होगा कि प्लीज स्टॉप इट, इसको रोकें, बेटियों को मौका दें। जिस तरह से हमारे बेटे पलते हैं बढ़ते हैं, सेम अधिकार सेम संरक्षण सेम सुरक्षा उनको भी मिलना चाहिए। मैं भारतीय समाज की विसंगतियों के तरफ आपको ध्यान देता हूं। पुरुष प्रधान समाज हमारा है, मैं स्वीकार करता हूं। हम लोगों का देश अंग्रेजों का 200 वर्षों तक गुलाम रहा, उसके पहले अन्य विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमें गुलाम बना करके रखा और गुलामी हम लोगों के नसों में इतनी बैठ गई है कि हम लोग उस गुलामी के खुट्टे से टूट करके बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। आप अपने